tutorial of how to download baseline test and summative test sheet. पहले हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे. वेबसाइट students.marsha.gov.in. यूजर लॉगिन करेंगे, एचएम लॉगिन के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे. एचएम सेलेक्ट एचएम, देन यूडाइज नंबर, पासवर्ड एंड देन कैप्चा. कैप्चा विजिबल और थोड़ा टाइम ले रहा. अगर पासवर्ड में कोई शक है तो आप दोबारा उसको इंटर कीजिए और जो भी कैप्चा नजर आ रहा उसको कैप्चा को डालिए 81502. जो भी आपको कैप्चा डिस्प्ले दिखेगा वो इंटर करके आपको लॉगिन करना है. लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे ही लॉगिन हो जाएगा हमारे पास एक पेज हमको डिस्प्ले में दिखा देगा. यहाँ पर हमको एक्सेल टैब में जाना है. एक्सेल टैब में पर्सनल डाउनलोड अपलोड पर्सनल, ये हमने ऑप्शन पहले देख चुके थे, और डाउनलोड यूआईडी और अपलोड यूआईडी हम देख चुके थे. अब यहाँ पर एक दो टैब नए हैं, डाउनलोड बेसलाइन एंड समिटी वन, अपलोड बेसलाइन एंड समिटी वन. तो हमको डाउनलोड बेसलाइन समिटी वन पे क्लिक करना है. क्लिक करते हैं हमारे पास दूसरा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें पहला टैब है बेसलाइन एंड समिटी वन, और सेकंड टैब हमारे पास दिख रहा है जिसमें हमको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, और थर्ड में हमको डिवीजन सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमको डिवीजन सेलेक्ट करना है. आपका जो भी डिवीजन के लिए आप फाइल एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ एक ही डिवीजन है इसलिए ये सेलेक्ट करेंगे. और डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर एक सॉर्टिंग लिस्ट आएगा. या तो आप एक्सेल फाइल को अल्फाबेटिकली आप उसको डाउनलोड कीजिए, या फिर जेंडर वाइज. अगर अल्फाबेटिकली अगर आप डाउनलोड करेंगे तो मेल फीमेल मिक्स आएगा, और अगर जेंडर के हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे तो फीमेल अलग और मेल अलग आएगा. तो हम जेंडर के हिसाब से फाइल को डाउनलोड करते हैं. और ये लीजिए फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको हम कंप्यूटर में सेव कर लेंगे. यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है. इसके बाद हम अल्फाबेटिकल भी ट्राई करके देखते हैं. फाइल जो हमारी डाउनलोड हुई है उसको यहाँ पर ओपन करते हैं. देखिए ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जो मेल फीमेल अलग अलग है, जेंडर वाइज डाउनलोड हुई है. इसमें थर्ड एंड फोर्थ के लिए जो शीट है उसमें आपको बेसलाइन का जो मार्क है यहाँ पर भरना है. यहाँ पे 40 मार्क्स दिखाई दे रहा है लैंग्वेज के लिए बेसलाइन, और मैथमेटिक्स के लिए बेसलाइन, और इसी तरह लैंग्वेज के लिए समिटी वन, और लैंग्वेज के लिए मैथ्स के लिए समिटी वन. इसी तरह हम और एक शीट डाउनलोड करके देखेंगे. ये जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर मेल और फीमेल आपको दिखाई दे रहे हैं, मिक्स दिखाई दे रहे हैं. थर्ड एंड फोर्थ के लिए और सेकंड के लिए समिट की बेसलाइन का विजिबल रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए अगर हम डाउनलोड करते हैं और शीट को देखते हैं तो देखिए उसमें बेसलाइन के लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है. तभी हम लोग फाइल डाउनलोड करें फर्स्ट की, जेंडर वाइज यानी मेल और फीमेल अलग अलग हमको शीट में दिखाई देंगे. ये फाइल डाउनलोड के लिए हम करते हैं, सेव करते हैं. फाइल डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको ओपन करते हैं. ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे यस करेंगे. यहाँ देखो बेस लाइन का जो है वो इनविजिबल दिया है, पिंक कलर में दिया है. अटेंडेंस प्रेजेंट नो, और मार्क ओपन नॉट एप्लीकेबल. तो ये फर्स्ट नेट वालों के लिए यहाँ पर बेस लाइन नहीं भरना है, इंटर नहीं करना है. सिर्फ हमको फर्स्ट लैंग्वेज समिटी वन और मैथमेटिक समिटी वन इसके ही मार्क्स हमको भरने हैं. प्रेजेंट के लिए यहाँ पे पहले से लिखा गया यस यस, और ऑप्टेंट मार्क्स लिखना है. इसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग शीट को
डाउनलोड करके एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा सर्वर डाउन है। हाँ, ये शीट हमने सेव की, अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही ओपन करेंगे हमको यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसमें मेल और फीमेल हमको शीट में मिक्स नज़र आएंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ए और बी वाले जो है सॉर्टिंग आएगी वो एकदम बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको ए टू जेड हमको असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगी, लेकिन मेल और फीमेल वाइज देखेंगे तो हमको ये मिक्स दिखेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप लोगों को डाउनलोड करने में आसानी होगी। इसी तरह आप अपलोड सबमिटिव वन में जाकर आप फाइल को अपलोड भी इसी तरह से कर सकते हैं, CSV में बनाकर। CSV का वीडियो पहले से ही आपके पास मेरी लिंक में आपको दिखाई देगा, ये पहले ही बना चुका हूँ। तो इस शीट को भी पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको CSV में कन्वर्ट करके एक्सेल में जाकर वहाँ से आपको अपलोड सबमिटिव वन में करना है, अपलोड बेसलाइन एंड सबमिटिव वन में आपको अपलोड करना है फाइल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।